विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर के प्रत्येक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं संभल में जनता में जोश भरने और सरकार की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर के बसपा और सपा पर निशाना साधा है। संभल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर जनसैलाब देखा गया, जहां पर संभल के गुन्नौर विधानसभा के बबराला शहर में लगभग 3:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला जमीन पर उतरा। वहीं जनता को 20 मिनट तक संबोधित करते हुए सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं और उपलब्धियां गिनाते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में जोश भरने के लिए संबोधित किया। वहीं संभल के विधानसभा 31 चंदौसी में लगभग 4 बजे विधानसभा की जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों में किसानों के गन्ना मिल को बेचने का काम किया है, जबकि एक सरकार ने 229 करोड़ तथा दूसरी सरकार ने 2000 करोड़ केवल किसानों का गन्ना भुगतान किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,656 करोड़ रुपए का किसानों को गन्ना भुगतान किया गया और 2022 में सरकार बनने के बाद जनता को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही है। अब भाइयों बहनों, अब बम नहीं, अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम कहकर के यात्रा निकालता है। यही फर्क है नए उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा के उत्तर प्रदेश में, यही अंतर है। भाइयों बहनों, आज जब मैं संभल जनपद में आया हूं, आज यहां पर मुझे आप सबको बताना है कि कैसे आपके यहां पहले सत्ता प्रायोजित अपराधियों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती थी, आधी आबादी का पैर होता था, प्रदेश से व्यापारी पलायन करते थे, नौजवान के सामने पहचान का संकट आता था, किसान तबाह था, आत्महत्या करता था, नौजवान परेशान था क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, व्यापारी इसलिए तबाह था क्योंकि कर्फ्यू लग जाता था, जब कमाई इसका सीजन आता था कर्फ्यू लग जाता था, सरकार को न रोक पाया हो। पहली वेब आई हमने नियंत्रित कर दिया, दूसरी वेब आई प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, तीसरी वेब कब आई कब चली गई कोई पता नहीं, आपने वैक्सीन लगाया, सबको टेस्ट फ्री में, टेस्ट फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों सबको वैक्सीन, आपने वैक्सीन ले लिया, सभी लोगों ने।